अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी हाँ दोस्तों, इंतज़ार हो गया ख़त्म। Redmi 10 अपने दोनों कलर्स ब्लू और वाइट में आपके सामने हैं। इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरे दोनों कलर्स पूरे हों और मैं आपके सामने वीडियो शेयर करूं। जल्दी से फ़ोन सेटअप करते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके बॉक्स में अवेलेबल है एज यूजुअली एक सिलिकॉन पाउच और उसके साथ में कुछ बुकलेट मैनुअल्स हैं जिसके अंदर इसकी डिटेल्स दी गई हैं। जो मैंने इसकी स्पेक्स के बारे में जाना है, इसका फ्रंट कैम है 8 मेगापिक्सल जो कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड है और रिमेनिंग फीचर्स तकरीबन ऑलमोस्ट नोट 10 वाले हैं और बॉडी शेप भी नोट 10 जैसी है। बहुत खूबसूरत मेटेलिक डिज़ाइन है, कलर बहुत प्यारे हैं। वाइट ऑलवेज मेरा फेवरेट रहता है, इस दफ़ा भी वाइट ही मेरा फेवरेट है। चार्जर की बात करते हैं तो चार्जर भी इन लोगों ने कम कर दिया है। पहले 33 वाट फास्ट चार्जर आया था नोट 10 के अंदर जो कि आपका बैटरी 45 मिनट में चार्ज कर देता था। इसके अंदर इन्होंने 18 वाट फास्ट चार्जर दिया है जो कि बैटरी तो थोड़ा सा लेट चार्ज करेगा, लेकिन उसका एक एडवांटेज ये है अगर आपको हीटअप प्रॉब्लम आया था तो वो इस दफ़ा हीटअप प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड्रॉयड 11 का वही एक ऑफिशियल सेटअप है जिसके अंदर बड़ी रिफ्रेशिंग सी लुक है। वॉलपेपर्स वगैरह अच्छे अप्लाई किए हुए हैं, टच बड़ा स्मूथ है। इसके अलावा अगर इसकी स्पेक्स की बात करते हैं तो ये 6/128 में रैम 6GB और रोम आपको 128GB इसके अंदर मिलेगी। इसमें एक वेरियंट 4GB एंड 128GB भी है जो कि अभी तक मार्केट में नहीं आया। दूसरा कलर इसका ब्लू है, बहुत ही शाइनिंग बहुत प्यारा कलर है। स्टीरियो स्पीकर हैं इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिए गए हैं जो आपका साउंड अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। बैक कैमरा लुक की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे नोट 10 से ज़्यादा अच्छा लगा है। इसका बैक कैमरा सेटअप बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है और सब लोगों को मेरा ख्याल है यही पसंद आएगा। जी हाँ गाइस, तो जैसे आप हमारे चैनल के नाम से जानते हैं कि हमने मार्केट के सीक्रेट रिवील करने के लिए बनाया है, क्योंकि हम बिगनर्स हैं तो हमारी गलतियों को इग्नोर करके लाइक एंड शेयर की सूरत में अप्रिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।